की कार्रवाई लगातार जारी है। महापौर एजाज ग्रेवर के होटल के साथ लगभग 32 ठिकानों पर आयकर की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। एजाज ग्रेवर के अलावा विवेक डांड, अनिल टुटेजा, गुरुचरण सिंह होरा, अमलोक सिंह भाटिया समेत कई रसूखदारों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। छापे की मुख्य वजह पॉलिटिकल फंडिंग को माना जा रहा है। दो से तीन दिनों तक कार्रवाई जारी रहने का अनुमान बताया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता हेमंत लैब जुड़ गए हैं। महापौर एजाज ग्रेवर के ठिकानों पर लगातार आयकर विभाग की कार्यवाही अभी भी जारी है। हेमंत, अभी आप फिलहाल कहां पर हैं और क्या कुछ अपडेट है तमाम खबर को लेकर? देखिए शिवम, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ और आयकर विभाग की कार्रवाई अभी भी सभी ठिकानों पर चल रही है। कल सुबह 9 बजे से महापौर एजाज ग्रेवर, गुरुचरण सिंह होरा, अमलोक सिंह भाटिया, कमलेश जैन और अनिल टुटेजा, इन तमाम जो बड़े रसूखदार हैं उनके यहाँ कल सुबह 9 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी तक कार्रवाई यहाँ पर जारी है। यानी 24 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है और ये अनुमान लगाया जा रहा है शिवम कि कम से कम 2 से 3 दिन तक ये जो पूरी कार्रवाई है वो चलेगी। अंदर जो आयकर विभाग की टीम है वो अभी मौजूद है, ये देख सकते हैं जो CRPF के जवान हैं वो यहाँ पर बाहर घर के बाहर यहाँ पर सुरक्षा में लगे हुए हैं। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को न तो अंदर जाने दिया जा रहा है और न तो अंदर से किसी व्यक्ति को बाहर आने दिया जा रहा है। कल से ये पूरी कार्रवाई जारी है और लगातार दस्तावेजों की जांच जो आयकर विभाग की टीम है वो यहाँ पर करती नजर आ रही है। महापौर एजाज ग्रेवर के कल एक और जगहों पर रात को ठीक छापा मारा गया था। उनका एक होटल है वेनिंगटन कोर्ट, आयकर विभाग के 4 से 5 अधिकारी उस होटल में पहुंचे थे और अलग अलग 6 से 7 ठिकानों पर महापौर एजाज ग्रेवर के ठिकानों पर कार्रवाई यहां पर चल रही है। ये लगातार यहां पर आयकर विभाग की टीम कंप्यूटर की दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा सभी लोगों के घरों पर वहां पर लोगों से पूछताछ की जा रही है, नौकरों से पूछताछ की जा रही है और अभी भी जो आयकर विभाग की टीम की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2-3 दिनों की कार्रवाई के बाद निश्चित तौर पर कुछ न कुछ यहाँ से निकल कर सामने आएगा, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो किसी प्रकार की गड़बड़ी हो या कर चोरी हो, लेकिन कुछ न कुछ निकल कर सामने आएगा ये अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि कार्रवाई काफी बड़ी है और एक तरीके से देखा जाए तो छापे का मुख्य कारण पॉलिटिकल फंडिंग को माना जा रहा है। हाल ही में कई चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए हैं और उसको लगातार इनपुट आयकर विभाग की टीम को मिल रहा था। जो IB है, इंटेलिजेंट ब्यूरो, वो लगातार इस या निगरानी तमाम लोगों के ऊपर रख रहा था और उसी ने 15 दिन निगरानी रख के पूरी रिपोर्ट आयकर विभाग की टीम को दी थी और उसके बाद सेंट्रल इनकम टैक्स की टीम ने यहाँ पर छापा मारा है। कल से वो टीम यहाँ पर पहुंची है और लगातार कार्रवाई अभी जारी है। शिवम, पॉलिटिकल फंडिंग को एक बड़ी वजह यहाँ पर हेमंत माना जा रहा है। कल से लगातार कार्रवाई चल रही है, अब तक कुछ इनपुट मिल पाया है क्या, कुछ खामियां IT डिपार्टमेंट्स को यहाँ से मिली है? देखिए कार्रवाई को 24 घंटे से ज्यादा जरूर हो गए हैं लेकिन अभी कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। क्या कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, ये कुछ अभी निकल कर सामने नहीं आया है क्योंकि इनकम टैक्स के जो अधिकारी जो जांच कर रहे हैं वो कुछ भी कहने से अभी बच रहे हैं। पूरा जब कार्रवाई होगा उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से ब्रीफ की जाएगी। अभी भी अगर बात की जाए तो विवेक धान समेत तमाम लोगों के घरों पर कार्रवाई जारी है और देर रात तक ये जो पूरी कार्रवाई है वो चल रही थी। जवान जो CRPF के जवान हैं जो सुरक्षा में लगे हैं और जो अधिकारी हैं उनके लिए वहाँ पर सोने की व्यवस्था की गई थी, तकिया और रजाई वहाँ पर
मंगाया गया था, तो यहाँ पर देर रात तक कार्रवाई हुई है। एक एक दस्तावेजों की जांच की जा रही है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई है और बड़ा इनपुट आयकर विभाग के पास था और इसी के आधार पर ये जो पूरी कार्रवाई है वो हुई है। टोटल 264 लोगों की लिस्ट छत्तीसगढ़ में बनी है जिन्होंने बड़ा ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट किया है। 264 के जो 264 लोग हैं वो हाई रिस्क पर हैं और सूची पहले ही आयकर विभाग की टीम ने बनाई थी और जो बड़े अधिकारी हैं आयकर विभाग के, उन्होंने जो फील्ड ऑफिसर हैं उनको यहाँ पर सूची दी थी और सूची जब फील्ड अफसरों को मिला और उसी के आधार पर जो पूरी कार्रवाई है वो अब यहाँ पर चल रही है। शुक्रिया फिलहाल हेमंत तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। सीएम कमलनाथ आज इंदौर को कोरोना की विकास कार्य